नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं आरआर ब्लॉग। जैसे कि मैं आज आपको दिखाने का कोशिश करूंगा कि किस प्रकार पाइपलाइन बिछाया जाता है। जैसे कि यहां पे हाइड्रा का उपयोग किया जाता है, जो कि किसी भी वेटेड वस्तु को उठाने का काम में लाया जाता है, उपयोग किया जाता है हाइड्रा का। जैसे इसके सहायता से पाइप को उठाया जा रहा है, पाइप को उठा के ट्रॉली पर रखवाया जाएगा। जैसे कि आपको बारीकी से दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो हाइड्रा है, हाइड्रा मशीन से पाइप को उठाया जा रहा है और एक ट्रॉली पे रखा जा रहा है। ये काफ़ी मजबूत होता है, जिससे किसी भी प्रकार की वेटेड वस्तु, जैसे कि काफ़ी वजनगर वस्तु को आसानी पूर्वक उठा सकते हैं। इसमें जो आप पाइप देख रहे होंगे, ये पाइप पानी का पाइप है, जो कि किसानों के लिए सिंचाई के लिए गवर्नमेंट के द्वारा खेतों में बिछाया जाता है। उसके बाद दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार यहाँ पे गड्ढा खोद के पाइप को डाला जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जेसीबी के द्वारा रोड तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जो कि आरसीसी रोड है, जिसको तोड़ के यहाँ पे लगभग 4.5 फीट गड्ढा किया जाता है। और जो ये पाइप का लेंथ है, इसका जो पीएन है, ये 12.5 का पीएन है, और इसका ओडी जो है ये 160 का है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार जेसीबी से गड्ढा किया जा रहा है, एक्सकैवेशन किया जा रहा है। तो आप इसे देखने का काम करें। जैसे कि देख पा रहे होंगे कि आरसीसी को तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है, जैसे कि जेसीबी से आसानी पूर्वक नहीं खोदा जा रहा है। तो हम आपको प्रॉपर दिखाने का काम करेंगे कि किस प्रकार जेसीबी, जैसे कि अभी हाल ही में जेसीबी की खुदाई देखने के लिए बहुत ज़्यादा लोग इच्छुक थे, तो उसी पे हमने वीडियो बनाने का कोशिश किया कि जैसे कि आप पाइपलाइन का भी देख सके कि किस प्रकार पाइपलाइन बिछाया जाता है, उसके बाद जेसीबी का खुदाई। और आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि इस प्रकार पाइप बिछाया जा रहा है। देख पा रहे होंगे लगभग 4.5 फीट का गड्ढा है, 4.5 फीट का नाली बनाया गया है, जिसमें पाइप डालने के बाद जेसीबी से बैक फिलिंग किया जा रहा है, मिट्टी भरने का काम किया जा रहा है। तो ये आप जो देख पा रहे हैं, ये एमपी में अभी काम चल रहा है। एमपी बरवानी एक प्रखंड है, इंदौर ज़िला है, यहीं पे ये गवर्नमेंट के द्वारा फंड है, जिसमें किसानों के लिए पाइप बिछाने, पाइप के द्वारा सिंचाई के लिए जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि एमपी जो है, मध्य प्रदेश जो है, इसमें इंदौर बरवानी क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पहाड़ है, पहाड़ों के साइड में किसान को पानी वानी लाने में और सिंचाई करने में काफ़ी ज़्यादा असुविधा होती है।